राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को जयपुर में हुई राहुल गांधी की युवा आक्रोश रैली को फ्लॉप बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। नागौर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं से जिन मुद्दों पर वोट मांगे उन मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए बार बार राहुल गांधी को जयपुर बुला रहे हैं। और वहीं बेनीवाल ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके राजस्थान आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी केवल मजाक के पत्र तक सीमित है। गांधी को बार बार जयपुर बुलाने का लक्ष्य अशोक गहलोत का एक ही है कि जो प्रदेश के अंदर टिड्डी से किसान बर्बाद हो रहे हैं, बाड़मेर से लेके बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में लाखों हेक्टर जमीन को टिड्डी चाट गई, जीरा इसबगोल नष्ट हो गया, राज्य सरकार ने एक पैसा भी वहां पर नहीं दिया, सारा सिस्टम फेल्योर हो गया। दूसरा, नवजात बच्चों की जो मौत हुई थी उस मामले के अंदर भी बार बार बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इसका ध्यान बटाने के लिए सीएम बार बार राहुल गांधी को लाकर केंद्र पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ये पता नहीं कि केंद्र ने दो जो बिल ये लेके आए, धारा 370 और सीए, ये 50 साल पहले आ जाने चाहिए, इसके समर्थन में पूरा देश खड़ा है। राहुल की सभा फ्लॉप शो थी, एनसीसी के कैडेट, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, स्कूली यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे, इन बच्चों को लाकर इन्होंने 10,000 की भीड़ इकट्ठी करी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रधान का, नवनिर्वाचित सरपंच या प्रधान का कोई समारोह, स्वागत समारोह ऐसा नजर आ रहा था वहां। पहले दिन उन्होंने स्थान बदल लिया, मतलब हालत ये हो गई कि युवा आक्रोश रैली नाम दिया गया लेकिन युवाओं में कोई आक्रोश वहां पर नजर नहीं आ रहा था। हाँ, एक बात थी कि ध्यान, प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए अशोक गहलोत बार बार राहुल गांधी को ला रहे हैं, और राहुल गांधी एक तरीके से बेरुपये के रूप में राहुल को लोग मानने लगे इस देश के अंदर। जब लोकसभा के अंदर आते हैं तो सारे एमपी हंसते हैं, वो जाते हैं तो हंसते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का जो लहजा है, एक हंसी के पात्र के रूप में जरूर लोग उनके मजे जरूर लेते हैं। जिस तरह हमारे एक पूर्व एमपी हुआ करते थे, उनकी लोग हंसी उड़ाते थे, उसी तरह राहुल गांधी की हंसी जरूर लोग उड़ाते हैं। राहुल की सभा फ्लॉप शो थी। पंचायत चुनावों को लेकर सचिन पायलट पर भी निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट ने मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में पंचायती राज चुनावों की दुर्गति कर दी। वहीं गहलोत सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेनीवाल ने कहा कि सरकार के मंत्री खुलेआम चौथ वसूली कर रहे हैं और शराब माफियाओं से मिली भगत करके प्रदेश में प्रत्येक 100 फीट पर शराब बिकवा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि बेटे की लोकसभा चुनाव में हार के बाद अशोक गहलोत बौखलाहट में है, ऐसे में वो अनगर्ल बयानबाजी करके बदले की भावना से नागौर सहित प्रदेश के किसानों पर विजिलेंस कार्रवाई करवा रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनियों से वसूली के लिए प्रदेश में सरकार ने गुटखे पर बैन लगाया और गुटखा कंपनियों ने वसूली करके पुनः गुटखे को चालू कर दिया। कानून व्यवस्था की प्रदेश में हालात खराब है, प्रदेश में 4 लाख से अधिक पद सरकारी महकमों में खाली पड़े हैं, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत बेरोजगारी भत्ते, किसानों की कर्ज माफी, सीमावर्ती जिलों में हुए टिड्डियों के हमले से लाखों हेक्टर भूमि पर हुए किसानों के नुकसान जैसे प्रदेश के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार से जो अपेक्षाएं की है उन अपेक्षाओं पर सीएम गहलोत खरे नहीं उतरे। वहीं राज्य राजमार्गों पर टोल टैक्स पुनः शुरू करना भी प्रदेश की जनता की मंशा के खिलाफ है।